ये देख लो, ये स्मार्ट की गाड़ी है और ये देखो क्या किसी ने कर रखा है यहाँ पे। ये देख रहे हो स्क्रैच, डेलिबरेटली मारा हुआ स्क्रैच है यहाँ तक। ये हाल देख लो बारिश का, इतनी तेज बारिश दिल्ली में भी शुरू हो गई है और आवाज आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैं यहाँ से घर के अंदर एंटर नहीं हो सकती। नहीं खेल रहे सुबह क्योंकि ग्राउंड पूरा गीला पड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग नेट्स में आ गए हैं। प्रैक्टिस जारी रहेगी भाई, प्रैक्टिस नहीं रुकेगी। एटीट्यूड मेरा खानदानी है। ओ माय गॉड, क्या एटीट्यूड है। महेश ये लांती देख लो कितने हैं यहाँ पे, कितने बेशरम और घटिया किस्म के लोग हैं जो हरकतें कर रहे हैं। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन एक नया ब्लॉग। आज है 27 जुलाई थर्सडे और इस समय बज रही इवनिंग के 7:20 और हम पहुंच गए अपने घर, हमें पार्किंग में और हम जाने लगे हैं ऊपर। और बाहर यार बारिश स्टार्ट हो गई, हम जब अभी एंटर हो रहे थे बहुत तेज। अभी शुक्र करो पहले नहीं हुई, जब हम लोग रस्ते में थे। तो अगर हम लोग रस्ते में होते और स्टार्ट होती तो यही हमें 8 बजते आते आते आज। बट अच्छा हम पहुंच गए, 40 मिनट्स में हम घर पहुंच गए, तो टाइम से आ गए एकदम। 35-40 मिनट्स लगे हमें आज, इतना ट्रैफिक था नहीं। आज एक बहुत ही स्पेशल चीज बनने वाली है डिनर में है। हाँ, उसके लिए मैं सामान सारा ले आई हूँ। हाँ, तो वो अभी दिखाते हैं। अभी मैं उसको बनाऊंगी। भैया देख लो बारिश बंद हो गई है, हल्की सी हुई थी थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं हुई। मौसम कितना बढ़िया है यार, ये देखो ऊपर क्या सही लग रहा है खड़े होकर यहाँ पे। गाइस आज मैं डिनर में बना रही हूँ मल्टीग्रेन सब। सुदीप का बहुत ज्यादा मन था तो मैंने सामान पहले ही मंगा लिया था। ये है कैप्सिकम और अनियन और नीचे लगाई है मैंने चीज स्लाइस, उसको हल्का सा टोस्ट करके थोड़ा सा चीज मेल्ट हो गई है। और साथ में लगाएंगे तंदूरी मायनीज और ये है नॉर्मल मायनीज। तो बस अब इसमें हम रखने वाले हैं ये है आलू पैटीज जो सब में लगाते हैं, सब में मिलती है ना। तो बस इसको मैं नॉन स्टिक में ही बना रही हूँ, मैं इसको फ्राई नहीं कर रही क्योंकि फ्राइड नहीं खाना है। ये हमारा मल्टीग्रेन सब तैयार है। तो यार इसको मैंने बहुत अच्छे से सुंदर से अंदर लेयर्स लगाई हैं। यार प्रेजेंटेशन मैटर्स यार, तो आपका खाने का भी मन करता है। The very next evening. Good evening guys. तो मैं निकल चुकी हूँ अपने ऑफिस से और आज जाने दिल्ली वाले घर। और यार इतनी तेज बारिश हो रही है गुड़गांव में, इतनी तेज पूरा पानी भर गया है और अभी भी बारिश चली रही है। और मुझे 1 hour 15 minutes दिखा रहा था, अब देखते कितना टाइम लगना है। मुझे लगता है 2 घंटे से तो ज्यादा ही लगेंगे, इससे कम लगने नहीं वाला। जो दिखाता है वो होता नहीं है कभी। मैं आपको बारिश का हाल अभी दिखाती हूँ रस्ते में। ये हाल देख लो बारिश का, इतनी तेज बारिश दिल्ली में भी शुरू हो गई है और आवाज आ रही होगी आप लोगों को, बहुत तेज बारिश है यार। ट्रैफिक तो खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है यार। ये है बारिश का हाल, इतनी तेज बारिश है देखो अभी भी, और ट्रैफिक भी देख रहे हो एक बार, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। पता नहीं यार कितना टाइम लगने वाला है, कोई आइडिया नहीं है मुझे। Later that same evening. Guys, मैं तो पहुंच गई हूँ दिल्ली वाले घर, मैं जस्ट अभी नीचे हूँ और 2 घंटे से ऊपर लग गया यार मेरे को पहुंचने में। इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैं यहाँ से घर के अंदर एंटर नहीं हो सकती। सामान लैपटॉप भी होता है, बाकी बैग्स भी होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे एंटर हूँ। तो मैं देखती हूँ, 5 मिनट्स वेट करती हूँ, बारिश थोड़ी कम होगी तो फिर चलती हूँ अंदर। गाइस मैं आ गई हूँ घर, ऊपर आ गई हूँ मैं, जैसे कि मैंने नीचे बोला था बहुत तेज बारिश हुई थी, पता नहीं ऊपर कैसे जाना है। तब सुदीप का वेट कर रही हूँ, उसका मुझे कॉल आएगा, या तो मुझे उसको पिक करने जाना होगा नहीं तो वो कैब कर लेगा, पर मुझे नहीं लगता बारिश में उसको कैब मिलेगी। भाई ये मौसम देख लो ऊपर एक बार, भाई इतनी गंदी बारिश हुई है ना यहाँ पे। ये देखो मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, अभी शेव आ रहा है मेरे को लेने, और ये देख लो ऊपर यार बिजलियाँ चमक रही हैं भाई तेज तेज एकदम। भाई ये देखो कल सुबह का सीन मेरे को खराब लग रहा है, स्टिल एक बार चेक कर लेंगे ग्राउंड जाके। बाकी नेट्स का सीन तो ऑन है अभी, बस आ ही रहा है। फ्रेश शिव आ गए हैं यहाँ। अरे चलो निकालो, 50-50 निकालो, कितने निकालने हैं आज? ओनली 30। 36 रुपए इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। नेट्स में पहुंच गए हम लोग, कल का हमारा सीन ऑफ है, नहीं खेल रहे सुबह क्योंकि ग्राउंड पूरा गीला पड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग नेट्स में आ गए हैं। प्रैक्टिस जारी रहेगी भाई, प्रैक्टिस नहीं रुकेगी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, शिप करेगा पहले फिर मैं जाऊंगा। और ये देख लो यहाँ पे कैसे हो। बढ़िया बढ़िया, क्या शिप सही है शिप मार रहा ताबड़ तोड़ भाई। अब तो मैच में भी इसके लगने शुरू हो गए, बढ़िया चल रहा है। अबे देख के खेल, क्या खेल रहा है ये, ठीक है भाई, ये आते ही कैमरे में कैसे वीडियो बनाऊंगे। बढ़िया ओ बढ़िया, और दोबारा भेज दी, ओह बहुत ही सेक्सी शॉट है, ओ लवली है शॉट, ओ भाई ये अच्छा शॉट था शॉट। भाई खेल लिए हम लोग, मज़ा आ गया भाई। आज थोड़ी गर्मी कम लगी है, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है, तो बहुत भूख लग रही है भाई मेरे को तो। मैंने तो लंच के बाद कुछ नहीं खाया और खेल के और ज़्यादा लगती है, तो कुछ खाने जा रहे हैं हम, देखते हैं। कुछ लाइट ही खाएंगे क्योंकि अभी घोड़ी आ रहा है थोड़ी देर में,
तो आज घोड़ी गैंग का भी सीन है रात को, तब अच्छे से खाएंगे। अभी कुछ लाइट खाने जा रहे हैं तो दिखाता हूँ भाई। बारिश देख लो कंटिन्यूस हो रही है और हम लोग आए नूडल को, और ये देख लो यहाँ पड़े चिकन मोमोज और शिव भी खा रहा है। ये देख लो, क्या ये देख लो, क्या ये देखो, ये देखो, ये देखो, बड़ा हरामी हो ऐसा है मैच तो है कैंसिल हमारा, बारिश आ रही है वो सेकेंडरी रीजन है मैच कैंसिल का, मेन रीजन ये है उन लोगों ने मना कर दिया खेलने के, सामने वाली टीम ने कर दिया मना। खौफ खौफ देखते हो फटी में होता है ना, फटी में मना करना डोमिनेंस की होती है ना, लिख के देते हैं जो हमने डेफिनेशन डेफिनेशन कहते हैं इसको, जो हमने दी है पिछले एक साल से ऊपर में हारे नहीं भाई, गिनती के चार पांच बार हारे हैं, इतना जीत की परसेंटेज कितनी होगी सोचो, अगर इतना भी नहीं हारे तो गॉड हो जाएगी क्या। उधर आया भाई गंदे तरीके से हराया है और सामने वाली टीम का मनोबल खत्म, उन्होंने कर दिया मना। यार मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा करना चाहिए, ये क्रिकेटी गेम है, हार जीत लगी रहती है, लगी रहती है, बट जितना आप हारोगे उतना सीखोगे। अभी पूछो इससे कप्तान ने क्या हाल करा इंडियन टीम का 6 महीने में, 6 महीने में तो भाई साहब का फॉर्म ही अलग लेवल का था, पूछो तो कई बार 25-70 कभी कोच कभी कोच कभी कोच। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, डर गए भाई वो, डर गए क्या हुआ उनको, शायद डर गए क्या हुआ, मतलब शायद नहीं डर गए भाई, डर गए यार मैं उनको कह रहा था तो वो देखेंगे शायद ही बोल दो ना बेचारे। यार ये देख लो कौन आ गया इधर एक बारी, आए घोड़ी सैबी 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 भाई। ऐसा है हमारे एक सब्सक्राइबर है ठीक है, उन्होंने पूछा है कि भाई ये घोड़ी का नाम घोड़ी कैसे पड़ा और क्यों, ताना तो पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना आपको भाई, सब्सक्राइबर ने पूछा है यार क्या करें भाई। रिप्लाई तो मैंने भी किया था कि नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। देखो भाई ऐसा है, घोड़ी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि नाम रखा है सुदीप ने, और घोड़ी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि थोड़ा एनर्जेटिक हूँ। भाई ये देख लो ये स्मार्ट की गाड़ी है, और ये देखो क्या किसी ने कर रखा है यहाँ पे, ये देख रहे हो स्क्रैच डेलिबरेटली मारा हुआ स्क्रैच है, यहाँ तक एक नहीं दो है, दो है भाई दो है, दो और नीचे की तरफ भी है, नीचे भी है, ये जहाँ पे हाथ मारा हुआ ना मैंने ये भी स्क्रैच है पूरा, किसी ने डेलिबरेटली किया है। और नई गाड़ी है अभी 1.5 महीना हुआ है ये देखो आए हुए, और 12,000 रुपए का खर्चा है भाई इसके ऊपर, जंगल सड़क वाला स्क्रैच ये लग जाती है, इतना सा लगा क्योंकि पेंट करता है, पेंट नहीं होता है ना, आ गया ना उसमें गैप नहीं है पेंट, वो चाबी जो होती है लोहे की चाबी होती है ना उससे आता है ये स्क्रैच है, ये लगते हैं ऐसे वाले स्क्रैच होते हैं जैसे कि जो तुम्हारे एक्टिवा लग गया चलता हुआ ट्रैफिक में कुछ भी होता है, रेड लाइट में साइकिल मार देती है, पेंट उतरा है इसमें देख, अरे पेंट उतरा हुआ है उसमें, पेंट ही उतरा हुआ है भाई। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, तेरी गाड़ी अंदर पार्किंग में लगती है वहां ऐसा हो रहा है यार, अरे लानती है बहन और क्या है, मतलब यार बेशरम और घटिया किस्म के लोग हैं जो हरकतें कर रहे हैं, जिस दिन मेरे हाथ चढ़ गया ना भाई, और बाद में अलग से नई गाड़ी नुकसान कर दिया यार, मैं बहुत आराम से भी बोल रहा हूँ, अरे आओ यार चले भाई चलो गाड़ी खोलो बैठे, गाड़ी में घूमेंगे थोड़ी देर, अभी जा रहे हैं हम लोग महेश के घोड़ी, तो आज घोड़ी गैंग है भाई इकट्ठे, अभी जा रहे हैं, अभी महेश के जा रहे हैं, यहाँ कर रहा हूँ कहाँ यहाँ पे भाई, मेरी गारंटी नहीं है रहता है यहाँ पे, तो मैं नहीं गारंटी लूंगा भाई उसकी, हाय फिक्सर भाई रहने दो रहने दे, मत लगाइयो वहाँ, अरे वहाँ लगा देना भाई फिक्सर, अरे हाथ पे क्या हो गया फिक्सर जी सर, पानी बॉटल बड़ी पानी सोडा, अरे सोडा नहीं चाहिए, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, दो पानी की बोतल ठंडी 5 गिलास दे दे, और एक थम्स अप ले आधे लीटर की, एक थम्स अप आधे लीटर की और 2-3 चिप्स दे दे, बुल्लू तू क्या पिएगा, मैं वो पेप्सी ब्लैक ही, महेश 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 काले भाई महेश महेश दल्ले लेटर एटीट्यूड मेरा खानदानी है, ओ माय गॉड क्या एटीट्यूड है, आज तो टेस्ट में टॉप कर रहा हूं, कौन सा टेस्ट था, कितने नंबर आ रहे, 10 out of 9 क्या होता है, 9 out of 10 होता है, तुझे कैसे पता, आ रहे हैं अभी तो आए नहीं होंगे, आ गए तू स्मार्ट है यार, फिर बैग तो नानी घर पड़ा हुआ है क्योंकि कल है सैटरडे, कल मेरा सरप्राइज है क्योंकि 1 month में मिलते हैं, ओके ये क्या सामने देखे, तो ये जो चाबी दिख रही है, चाबी लगी हुई है, चलें बता चलेगा बाइक पे, स्कूटर चलना है क्या, मैं कह रहा चलो, हां बोलूं क्या, चार मस्त एक तो चार नहीं हो पाएगा, अरे हो जाए मैं निकाल लेता हूं, नहीं भाई देख भाई क्यों भाई, शराबी को उसमें जो मेन पैरों वाली जगह होती है ना वहां लिटा देंगे उल्टा, तो यार ऐसा है हमने अभी शिव को भेजा है चाबी निकाल ली, चेक कर रहा है ये ऑन होगी नहीं होगी, देखते हैं भाई, चोर कुल्की भाई कुल्की चोर
पॉकेट मार। मेरा नाम है सर राजू। तो यार वो स्कूटी वाला प्लान जो था वो हमने ड्रॉप कर दिया भाई, हमने सोचा अच्छा नहीं लगता यार बिल्कुल भी। तो अभी किसकी हो किसकी ना हो कल को बुरा मान जाए कोई, तो हम तो हर चीज़ मजाक में करते हैं फन में करते हैं, देखना पड़ता है ना कभी कभी, तो इसलिए नहीं किया। तो यार मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, थक गया हूँ भाई, 7 बजे का उठ रहा हूँ और इस टाइम पे सवाइप हो गया रात का, टीवी में लगाएंगे और सोएंगे भाई, नींद भी मेरे को लग रहा है आ ही जाएगी जल्दी। हम आपको मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।